नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। बिहार में मधुबनी जिले के राजनगर थाना में हुई एक वारदात को लेकर पुलिस चौकस हो गई थी, जिसके बाद 9 कुख्यात अपराधी को अरेस्टिंग की गई। इसमें पुलिस कप्तान ने एसआईटी की गठन किए थे, जिसमें सदर एसडीपीओ कामनी बाला को मुखिया एसआईटी का बनाया था। आज पुलिस कप्तान ने प्रेसवार्ता करके जो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार हुए था उसके विषय में जानकारी दी। हालांकि अपराधी के पास से एक देसी 6.9 मोबाइल, एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक लॉकेट भी पुलिस को अवेलेबल हुआ है। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। आज मधुबनी में राजनगर थाना क्षेत्र से एवं अन्य जगहों से कुल 8 बहुत ही शातिर चोर डकैत अपराधियों को पकड़ा गया है, जो विभिन्न कई दिनों से लूट, चोरी, छिनतई की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसमें मुख्यतः राजनगर थाना कांड संख्या 166-19 जो लूट का केस था, एवं 274-19 जो कि राजनगर से ही संबंधित था, 207-19 मधेपुर का जिसमें चाबी लेकर के जो LIC का एक कोई एजेंट था उससे छिनतई किया गया था, उसका चाबी भी हम लोगों ने बरामद कर लिया गया है। उसके बाद राजनगर का ही फिर 19-20 चोरी का केस था और 22/20। इसके अलावा अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण कांडों में इन लोगों की गिरफ्तारी हुआ। इसमें 2-4 अभियुक्त जो हैं इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और इस राजनगर एवं टाउन थाना क्षेत्र एवं मधेपुर एवं पूरे लगभग पूरे मधुबनी क्षेत्र में ये जगह बदल बदल करके लगातार पिछले 6 महीने से लूट, चोरी, छिनतई की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में ये टीम का गठन किया गया था, जिसमें मुख्यतः राजनगर थाना अध्यक्ष अमृत कुमार शाह, अनोज कुमार पंडौल थाना अध्यक्ष, अजित कुमार सिंह मधेपुर, चंद्रकेतु नगर थाना एवं अन्य और लोगों के साथ और टेक्निकल सेल के साथ सब लोगों ने मिलकर के इसमें सफलता हासिल की। सर, ये अभी जो इसमें भी हम लोग इसमें संदिग्ध है, इसके ऊपर भी पूछताछ की जा रही है। इन लोगों का और डिटेल्स नहीं रहा है सर अभी, ये अब चूंकि आज ही पकड़ाए हैं, आज ही हम लोग इसमें और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन लोगों से ली जा रही है।